सवाल क्वार्ट्ज ऑटो लिमिटेड कंसंट्रेशन से बने जाता इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक्स सिंस अ नंबर ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स डू नॉट हैव एडिक्वेट फंड्स टू परचेज द व्हीकल्स अगेंस्ट फुल पेमेंट QAL provides lease financing facility to its customers. It expects to receive a return at the rate of 15% per annum on amount of lease finance. On 1st July 10, Quartz Auto Limited sold 7 trucks to Emerald Goods Transport Company on lease. Center समझ आता? Quartz Auto Limited कौन था? Trucks का manufacturer. क्या किया उसने? 7 ट्रक बेच दिए. किसको? EGTC को. किस पे? क्या मतलब बेच दिए lease पे? बेच दिए लेकिन पैसे installments में लेंगे. तो अच्छा वाला मैन्युफैक्चरर कौन बन गया है लेसर द टर्म्स ऑन द कंडीशन टर्म्स ऑफ द लीज एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज नंबर 1 लीज पीरियड इज 4 इयर्स डर के बगैर पढ़ते जाइएगा एग्जामिनर तंग करता एक्सटेंडेबल अप टू द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ ट्रक दैट इज बताएं लीज टर्म 4 इयर्स है 5 इयर्स है 4 इयर्स है अभी फाइनल नहीं है शायद एक्सटेंडेबल है पता नहीं अब एक्सटेंड होना या नहीं होना अभी पता नहीं व्हाट इज द लीज टर्म 4 इयर्स लेकिन कहां तक जा सकती है हाँ यहां से लेकिन एक चीज पता चल गई कि लीज फाइनेंस लीज है वो कैसे 4/5 अनलेस इकोनॉमिक लाइफ कुछ और मिल जाए लीज टर्म अभी फाइनल नहीं हुई है ईजीटीसी हैज ग्रंटीड ईजीटीसी कौन है लेसी has guaranteed a residual value of 360,000 for each truck till the end of 4th year. GRV lessee. However, guarantee would lapse if the lease term is extended to the 5th year. So, tell us 360 kab hai, kab nahi hai. So, abhi hume kyunki 4 year hai, 5 year hai, pata nahi hai, to iske abhi bhi ye decided nahi hai ki kya hai. Aakhri words underline kare. Lessee EGTC will return the truck at the end of the lease term. हाँ क्या पता चल गया? वापस asset नहीं आना. Ownership is not expected to be transferred at the end of the lease term. Therefore, फिर तो ये lease finance lease नहीं. और जाने दे यार. कितने points हैं total? कौन-कौन से? Ownership transfer. Number 3, lease rentals amounting to rupees 271,524 per annum and are payable in 3 years. Annual rentals per annum, 1st July 2010 को agreement है, पहले rental की date बताएं, 30 June 11. Cost of each truck is 9 lakh. प्राइस इन केस ऑफ आउटराइट सेल का मतलब बताएं आउटराइट बेच दें अभी बेच दें अदरवाइज आउटराइट अभी बेच इमीडिएट सेल अगर आज ही बेच दें तो कितने का बेच देते कितने वाला कितने पे बेच देते 9 लाख वाला 13.50 पे बेच देते व्हाट इज 9 लाख कॉस्ट व्हाट इज 13.50 सेल प्राइस बाकी सोच लेते हैं अभी बाकी चीज Expected residual value of each truck at the end of 4th and 5th year is 150,000 and 100,000 respectively. क्या है ये? एक residual value दी हुई है, guaranteed है, unguaranteed है. अभी finally हम ही नहीं कुछ कह सकते. अब आए requirement. Assuming that QAL and EGTC lesser lessee intend to extend the lease for a period of जानबूझ के तंग करता है अब सस्पेंस खत्म करती है अंडरलाइन कर लें
फाइनली बीस टर्म बताएंगे. प्रिपेयर द बुक्स ऑफ प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ क्यूएल. क्या क्या करना है? जर्नल एंट्रीज, नोट बनाना है फॉर इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लेसर का अगर नोट हो तो तीन चीजें ध्यान में फिर ले. मैच्योरिटी एनालिसिस है, रिकंसिलिएशन है. फाइनेंस फीस लेसर अगर हो तो रिकंसिलिएशन, मैच्योरिटी एनालिसिस और नेगेटिव पैराग्राफ है. स्केड्यूल नहीं है. क्यूएल कौन है? मैन्युफैक्चरर लेसर. जनरल एंट्रीज करनी है. लीज टर्म कितनी फाइनल हुई है? अच्छा, फाइव ईयर सेम रखे. जरा सवाल दोबारा पढ़ लो. पॉइंट वन में जाए. अब लीज टर्म क्या है? पांच साल. पॉइंट नंबर टू फाइनल करें. गारंटी अब लैप्स है. अब लेसी की कोई गारंटी नहीं है. लास्ट पॉइंट में है. अब ये जो रेजुअल वाली दी हुई है, कौन सी वाली एप्लीकेबल हो जाएगी? लाख वाली, पांच साल बाद वाली, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म. लेकिन ये गारंटीड है या अनगारंटीड है? अब इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये अनगारंटीड कंसिडर होगी. सिर्फ लाख, लेकिन ये पर ट्रक है शायद. ये ढूंढने जरा, ईच ट्रक कुछ दी हुई है. मैं वर्किंग करके देखते हैं कहाँ का मसला है. जी मिस्टर आसिफ, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिजनेस? जी रिक्वायरमेंट है जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, सॉरी जनरल एंट्री बुक्स हो गई. जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून. जी मैन्युफैक्चर लेसर है, पहला डिसीजन लेसर अगर है तो पहला डिसीजन. फाइनेंस से ऑपरेटिंग एक लाइन में जल्दी से कंक्लूड कर दें. लीज इज अ फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग. वैसे तो ऊपर कहीं वर्ड भी वो यूज कर रहा है फाइनेंस लीज, लेकिन कुछ मिल्की कंडीशन और लिखे थे. लीज अ फाइनेंस लीज किस वजह से? नहीं अब तो मेरा ख्याल इक्वल हो गई. एज लीज टर्म इज इक्वल टू, कम अज कम कितनी होनी चाहिए? मेजर पार्ट कवर हो रहा हो तो मेजर पार्ट मीन्स कम अज कम 75% या उससे ज्यादा. तो यहाँ तो इस केस में क्या बना हुआ, क्या चीज किसके बराबर हुई भी है? इस टर्म इज इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ. यहाँ तो इकोनॉमिक दी ही नहीं हुई. अगर ना दी हो तो क्या ही क्या है, यूजफुल ही इकोनॉमिक लाइफ है. जी ठीक है मिस्टर अहमद. मिस्टर अहमद जी सर, जी एनी कंफ्यूजन सर? जी नेक्स्ट डेट बोलो. 1st July 10. क्या होना इस दिन? हम कंसंट्रेट कीजिएगा प्लीज. अब बातें सारी होगी नहीं, बस फिगर्स ढूंढनी है. किसकी बुक्स में वर्किंग हो रही है? मैन्युफैक्चरर लेस. फर्स्ट एंट्री किस चीज की करें? अब कल हमने यकीनन एक फिनिश गुड्स वाली भी एंट्री की है, लेकिन डेफिनेटली वो कंपल्सरी नहीं है. फिनिश गुड्स बन गई हैं, अब तो लीज की गेम शुरू हो रही है. तो डबल एंट्री अगर बनवा दें, फिगर्स अगर ढूंढवा दें, तो सब कुछ ईजी हो जाएगा. आराम से लिख लें, हेडिंग्स बोल दें डबल एंट्री की. विदाउट एनी अमाउंट आप भी हेडिंग्स लिख लें. लीज रिसीवेबल डेबिट, लीज रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट. प्लीज बेटा खुद से लिखें यार, सेल देख के लिख रहे हैं, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल के स्पेलिंग लिखें,
ऑफ देखा है, फिर सेल लिखा है, फिर अगली लाइन देखी है, फिर एस स्टॉक का देखा है, के तक देख के लिखा है। प्लीज रिसीवर किस अमाउंट से डेबिट, एक एक वर्किंग के बाइंड नीचे आ गया। नेट इन्वेस्टमेंट जब भी आपने कैलकुलेट करनी हो, मेरी सजेशन यही है कि पहले ग्रॉस फिगर सामने रखें फिर प्रेजेंट वैल्यू। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आज किधर आ रहा है, इस वक्त ये नहीं हो सकता, इधर कहीं आ गया था, बल्कि आप आ जाओ प्लीज। ये तन्हाई जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिखना छोड़े, फिगर ढूंढे, एनी डाउन पेमेंट, एनी रेंटल फिगर, टू सेवन वन फाइव डबल टू फोर क्या है, पर एनम रेंटल मल्टीप्लाइड बाय पांच, कहां से आ गया यूजफुल लाइफ इक्वल टू लीज टर्म। सेकेंड पैराग्राफ के स्टार्ट में जाएं, सात ट्रक है तो जरा सात भी तो करेंगे दोबारा दोबारा आराम से तसल्ली से, कहीं मल्टीप्लाई हो ना जाए, देख ले देख। पांच ट्रक कहां से आ गए, पांच साल लीज टर्म के कहां से आ गए, वो तो चार कह रहा है नीचे आ गया, इंटेंशन यही पांच साल होंगे। एनी डाउन पेमेंट, एनी जीआरवी, एनी जीआरवी वो तीन लाख साठ हजार, गुड लैप्स पांच साल हो गए, लीज टर्म इज फाइव इयर्स, नो जीआरवी मींस बोर्ड पे देखें लीज पेमेंट पूरी है। लीज पेमेंट के अंदर क्या क्या आता है, डाउन पेमेंट, रेंटल्स, जीआरवी आ सकती है, परचेज ऑप्शन, जीआरवी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, लेकिन परचेज ऑप्शन तब होती है जब ओनरशिप ट्रांसफर होनी हो या ओनरशिप ट्रांसफर की बहस नहीं है, तो फिर जीआरवी है। इन अदर वर्ड्स वो था पे ही निकालने, पे ही नहीं बनाया था सेंटर में लाइन लगा के। ये आज जो सवाल इस वक्त हो रहा है, ये राइट साइड ऑफ दैट पेज है या लेफ्ट साइड ऑफ दैट पेज है, राइट बेटा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट ही फाइनल नहीं हो रहा। ओनरशिप इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर वाली बहस है, तो यहाँ परचेज ऑप्शन वाली बहस नहीं आएगी, जी आर वी यू आर वी आ रहे हैं, लेकिन यू आर वी वुड लैप्स अगर एक्सटेंड हो जाए पांचवें साल तक, भाई जी आर वी वुड लैप्स आगे है बोर्ड पे। एनी यू आर वी, वाई इट इज यू आर वी, बिकॉज ऑफ नो इंफॉर्मेशन ऑफ गारंटी, लेकिन ये लाख लिखो या जरब सात करो, जरा पांच, पांच साल एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, लेकिन ईच ट्रक इंटू सेवन, साठ ट्रक पहले क्यों नहीं साथ, तसल्ली से देखें, इधर पांच उधर सात है, कमाल है, पांच रेंटल है और सात ट्रकों की रेजिडुअल वैल्यू है, तो हर साल है ना यार, इंटू पांच भी तो होगा एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लिखे सॉल्व कर। अलग अलग अदर आंसर बताइए, वन थ्री फाइव सेवन, सॉरी फाइव सेवन सिक्स वन टू जीरो जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको फिगर समझ आ गई, एंड प्लस हो जाएगा सात लाख, टोटल हो जाएगा टू सेवन सिक्स वन टू जीरो। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स नेट इन्वेस्टमेंट की वर्किंग का फॉर्मूला,
थोड़ा सा चेस को खोल लेंगे, थोड़ा थोड़ा खुला खुला कर ले। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की वर्किंग करवा, बोले वर्किंग 2715 का एक रेंटल एडवांस में है, ये एरियज में है, एन्युटी लग जाएगा ढूंढने पे, गाइस 1 माइनस 1 प्लस 0.14 ढूंढने कहीं। हां जाने दे यार खुदा के, जाने दे, मैंने कितने कॉन्फिडेंस से बोला सही बोलोगे। 15% रेट मिल गया जी, माइनस 5 क्या 5 रेंटल्स, रेंटल्स डिवाइड बाय 0.15 प्लस 7 लाख इंटू 1 प्लस 0.15 माइनस कौन सा 5, कौन सा 5 रेंटल वाला नहीं है, अब 5 साल बाद एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। अगर ये पहला रेंटल एडवांस में होता तो इधर माइनस 4 होना था, 4 रह गए थे, उधर फिर भी माइनस 5 क्यों होना था। जीआरवी यूआरवी एप्लीकेबल एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। अच्छा इनके आंसर्स अलग अलग ही हमेशा आपको चाहिए भी होंगे, हमें अलग पता होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यू आर वी और अलग पता होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, डिसीजन भी ले लें तो अलग अलग लिख के प्लस की देगा, कंबाइन कर लेंगे तो बाद में सॉल्व करना पड़ना। बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है क्यू एल सोल्ड 7 ट्रक्स ऑन लीज नंबर 1। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है लीज रेंटल्स, तो लीज के रेंटल्स है तो 7 ट्रक्स की लीज है, लीज रेंटल बता रहा है, पर ट्रक बता रहा है, पर एनएम बता रहा है रेंटल्स, लेकिन एंड में 5 की बात, पॉइंट नंबर 5 में बात कर रहा है तो रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ईच ट्रक बता रहा है। ये पहले ये क्लियर करें जी कहां 7 हुआ कहां नहीं हुआ, ये रेंटल पर ट्रक है पर एनएम है, लीज कितने ट्रक्स की है 7, एंड में क्यों मल्टीप्लाई पे 7 किया 1 लाख को, वो से एक ट्रक की बताई है और 7 ट्रक्स थे, एनी कंफ्यूजन, ये आंसर्स बताइए लेदर लेदर। 910185 प्लस 348024 ब्राउनिंग ऑफ रहने दो यार, टोटल 944 98 अलग अलग नाम बताएं और इकट्ठा नाम बताएं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूआरवी इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। देख रहे पिकस गलत नहीं है, अब पेशेंस से कैंड ये वर्किंग अगर कर ली आपने तो यहां से जरा मुझे फिगर्स एंट्री में लिखवा दें, हाँ इस एंट्री को बस याद कर ही नहीं, लीज रिसीवेबल डेबिट नेट इन्वेस्टमेंट फिगर बोले 9449876 सेल्स की अमाउंट की फिर नीचे वर्किंग करवा दे, बाद में वहां से उठा लेंगे। सेल इज लोअर ऑफ वर्ड्स बोले जी फेयर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, फेयर वैल्यू ढूंढे, रुक गए लिख लेंगे सेल प्राइस इज फेयर वैल्यू या कॉस्ट इज फेयर वैल्यू, वाई मैन्युफैक्चरर लेसर है, सेल प्राइस ढूंढे 13,50,000 में कोई मसला, ईच ट्रक दिया हुआ है मल्टीपल बाय 7 9450000 क्या है 9450000 फाइनली फेयर वैल्यू ऑफ द ट्रक्स 7 याद आ गया, ईच ट्रक ढूंढा करें चीजें, प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट कहीं आई हुई है 9101852 लोअर ऑफ क्या बना 9101
852, ठहर जाए मौलाना, ठहर जाए आपके लिए। लोअर ऑफ कहाँ चला गया? 9101852। देखिए सॉल्व करनी है, लिख लेते हैं अभी, ठहर जाए। कॉस्ट ऑफ सेल किया फॉर्मूला बोले क्या होता है, कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूआरबी की वर्किंग शुरू करवा दें, कॉस्ट बताएं 9 लाख पर ट्रक इंटू 7 करके 60 ट्रक्स की कॉस्ट आई, नीचे वर्किंग में चले जाएं 63 लाख आ गए इंशाल्लाह, वर्किंग में चले जाएं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूआरबी बोल दें 348024, आंसर बता दें, कैलकुलेटर पकड़ें। ये सेल की तरफ है, दोबारा बताइएगा 9101852, ये बताइएगा डिफरेंस कॉस्ट ऑफ सेल 5951976। ठीक है, ठीक है, लास्ट लिखवा दें स्टॉक की कॉस्ट 63 लाख, कैसे 9 लाख इंटू 7, एंट्री चेक करें, सही है, चेक करें बैलेंस है। एंट्री बैलेंस है सर, तो आपने बेटा एंट्री का बैलेंस होने की टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ क्या टेंशन लेनी है कि अमाउंट्स कैसे सॉल्व हो रही हैं और किन फिगर्स की बेस पे आ रही है। अब पहले एंट्री लिख ले नीचे, फिर जो दूसरी मैंने वर्किंग की थी वो सामने कर देता हूँ। और दोबारा प्लीज लिखते हुए एक दफा बोल दें क्या क्या उठाया गया होगा, डीज रिसीवेबल डेबिट किससे किससे किससे, बोल दे अपने आप को सुना ले। एनी कंफ्यूजन द फिगर्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी समी, ठीक है, ये एंट्री के अगर फिगर्स लिखनी बता दो, मैं नीचे लोअर ऑफ वाली फिगर दिखा दी। जी प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन? जी लिखे जी लोअर ऑफ 63 लाख, आखिरी फिगर 9 लाख इंटू 7 63 लाख। कौन कौन सी फिगर है 63 लाख? एक नजर रिवाइज कर लेंगे जरा, फिगर्स कहाँ कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, माइनअप कर। जी सर वेटिंग फ्रॉम योर साइड, चले आगे, जी ऑनलाइन स्टूडेंट चले आगे, नेक्स्ट डेट बोले। पहली एंट्री के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, एवरी अदर थिंग रिमेन्स एज इट इज एज इन सिंपल लेसन। नेक्स्ट डेट रेंटल एरियाज में है 30th जून, 11 रेंटल देना है लेना है, इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, उतना ही टेबल बनाए जितना फिलहाल चाहिए, आगे देखते हैं बाद में, आगे का भी आज को मसला हल करते हैं। डेट
rentals, principal, interest, and balance. बनाए सर, फर्स्ट जुलाई एंड स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल बोल दें, सब फिगर्स बदल गई हैं। कितने से, जिससे रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ है, 9449876, लीज रिसीवेबल इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर लेसर, रेंटल के अमाउंट है 27, करें जी ब्रेकअप है। वन टू नाइन सेवन सेवन फोर थ्री वन फोर वन सेवन फोर एट वन, नहीं मैंने उड़ा तो नहीं लिख दिया, नहीं है प्रिंसिपल इंटरेस्ट सही, बैलेंस 815-2133। ये फिलहाल एक काफी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक्सटेंड कर लेंगे, एंट्री करें। हो गया जी, ये ब्रेकअप समझ आ गए थी, वर्किंग करनी ये सैलरी साहब फिगर, ठीक है क्या रेट है, इंटरेस्ट रेट क्या दिया बस साइलेंट है, बगैर रेट की वर्किंग होगी, क्यों देख के लिखा सैलरी साहब ना करें, इतनी मासूमियत, डबल एंट्री बताएं। सैलरी साहब उतना ही तेज होना पड़ना जितने अदरवाइज तेज है, पढ़ाई में भी उतना ही होना पड़ना, पढ़ाई करते करते ऐसे लगता है जैसे 2+2=5 है। सरेंडर सरेंडर, लीज रिसीवेबल्स है फिगर बताइए, 1-2-9-1, 1-2-9-7-7-4-3। इनकम या रिसीवेबल, जैसी इनकम मनी रिसीव होगी 1-4-1-7-4-8। अगले साल रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन जरा देखें नेक्स्ट ईयर क्या होना, सेम एंट्री रिपीट होती जाएगी, सेम रेंटल वाली एंट्री हर साल रिपीट हो जाएगी, नहीं मैंने वैसे ही सॉरी मैंने वैसे ही कहा, डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर दे, बी रिक्वायरमेंट शुरू कर, पनास लीज मैन्युफैक्चरर लेसर नो टेस्ट पर आईएफआरएस 16, बिजनेस नेम या चले लिखा हुआ है नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर द ईयर एंडेड 30th June 11, जी मैच्योरिटी एनालिसिस पहले बना लें, मैच्योरिटी एनालिसिस के पूरे वर्ड्स आप याद कर ही लें, मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स,
लीज पेमेंट्स लिख रहे हैं, रिसीवेबल लिख रहे हैं, कोई इतना इश्यू नहीं, लीज पेमेंट्स ही फाइनली रिसीवेबल। कंसिडरेशन फुल रखनी है, जरा वर्ड्स भी फाइनल कर ले ध्यान में, कहाँ खड़े हैं, किस सालों में जाना, 30 जून 2011 का एंड हो गया हुआ है, ऑनवर्ड्स जाना, तो कितने रेंटल्स थे जिनमें से कितने हो गए हैं, 4 रेंटल्स रह गए। आज लिखो लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, बिकॉज आनी रेंटल आने, हर साल एक रेंटल है, अच्छा अगर एक क्वार्टरली रेंटल हो फॉर एग्जांपल, नहीं फिर भी हर ये 4 जरब हो जाएंगे, सेमी एनुअल 2 जरब हो जाएंगे, 12 रेंटल हो 12 से जरब हो जाएगी, सालाना ही डिस्क्लोजर सालाना बनना याद आना चाहिए 1 to 2 years में, सेम अमाउंट चलती जा रही है, एनुअल रेंटल है, कहां तक गेम जाएगी, बना के बना ले बना ले। थ्री टू फोर इयर्स में, एक मिनट रुकेंगे, क्वेश्चन आया मेरे सामने, 3 to 4 years में रुके, एक मिनट, ये गैलेक्सी जरा ढूंढे, गैलेक्सी क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका ये मैच्योरिटी एनालिसिस ढूंढना, आप सब क्या ऐड किया था, गेम ऑन है जी सर जी, लास्ट रेंटल में एक 5 मिलियन जमा हुआ हुआ है, क्या जमा हुआ हुआ है, नो परचेज ऑप्शन प्लीज, नो जीआरवी, अगर क्वेश्चन ढूंढे क्वेश्चन ढूंढे 9A, 5 मिलियन एट द एंड ऑफ द लीज टर्म गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है सर, ऐसे वापस आए तो 2715224 के 5 रेंटल तो हैं, सॉरी 5 है लेकिन एक पे रिसीव हो गए, 4 रिमेनिंग रह जाएंगे, लेकिन आखिरी साल में एक यूआरवी की अमाउंट भी है, ढूंढने अपने डेटा में, 7 लाख 1 लाख ईच ट्रक 60 ट्रक 7 लाख के एक यूआरवी की अमाउंट भी है, वहां कितनी है यहाँ कितनी है, वहां 5 मिलियन थी, यहाँ 7 लाख है, लेकिन वहां जीआरवी थी, यहाँ यूआरवी है, ऊपर हेडिंग देखें, ये मैच्योरिटी एनालिसिस लीज पेमेंट्स का बन रहा है, लीज पेमेंट्स में क्या तो होता है क्या नहीं होता है, जीआरवी तो होती है गैलेक्सी में, लेकिन यहाँ यूआरवी नहीं आएगी, यूआरवी अगर आए तो फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाती है, तो फिलहाल ये लीज पेमेंट वर्ड लिखा हुआ, तो इस तरह करें 2715224 लिख लें, लेकिन ब्रैकेट में भी 2715224 लिख के प्लस 0 करें, और 0 को जरा एक्सप्लेन करना है, यूआरवी इज नॉट पार्ट ऑफ, ये बात तो समझ आ गई किसी को, क्या समझ आई है, वहां क्या था क्यों जमा हुआ, यहाँ क्या है क्यों जमा नहीं हो रहा, वहां क्यों प्लस है यहाँ क्यों प्लस नहीं है, जी ऑनलाइन स्टूडेंट हिम्मत कर रहे हैं, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सर, बात से सर अगले कई दिन ये बहस चलनी है अभी, तो मुसलसल इन्वॉल्व रह के गेम आगे बढ़ानी है, टोटल कर दो 1086089896896 सॉरी जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, नेक्स्ट हेडिंग सर,
रिकंसिलिएशन आखिरी दफा मुझे बनवा दें, बाद में आपने बनानी है, गैलेक्सी सामने रखें रजिस्टर में और डाटा देखें इस सवाल का, एज इट इज वो हेडिंग देख के लिखवानी है आपने मेरे फिगर्स इस सवाल से ढूंढ के बता दें। एक मिनट स्टार्ट कर ले जरा, ढूंढ ले जरा गैलेक्सी की रिकंसिलिएशन का हेडिंग सामने रख, पहली हेडिंग बोले। अच्छा यहाँ ना स्टार्टिंग पॉइंट वही है, टोटल लीज पेमेंट्स, और ये वही फिगर आएगी जो ऊपर आ गई हुई है, टोटल लीज पेमेंट्स 1080896, अगर बनाना भी हो तो 2715224×4 ऑनवर्ड्स होना है सब कुछ। रेंटल तो पांच नहीं है, पांच ही है, लेकिन जिस ईयर पे खड़े उससे ऑनवर्ड्स चार है। अगले वर्ड्स बोले, एड अन गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, वहां डैश क्यों था, यहां डैश की जगह 7 लाख है, अनगारंटीड है, ठीक है, फिगर आ जाएगी इसको प्लस करके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बता दो 1150896। सर जी आपके लिए क्या हो गया, क्यों इसमें जज्बाती हूँ एकदम, कहीं मेटर ना जाए, ना करो ये, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बाद क्या ढूंढना होता है, लेस ठीक है, अन एंड फाइनेंस इनकम है, लेकिन मुझे ये बता दे अन एंड फाइनेंस इनकम सारी या ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स का मीनिंग बताए किस साल के आगे, अन एंड फाइनेंस इनकम। अच्छा मैंने कल जब लास्ट आपको गैलेक्सी बनवाया था तो मैंने फिर टेबल पूरा करवाया था, लेकिन आ जाए जरा बगैर पूरा किए, जरा हिम्मत करके देखें, जरा कंसंट्रेट फुल करें, जरा छोड़ दे, आपको ये पता है कि इन कॉलम्स का टोटल कितना होगा, हाँ जी आपको पता है, रेंटल्स का सम क्या होगा, अपनी एंट्रीज में चले जाएं जो अभी अपने क्वार्ट्स में किए, पहली एंट्री देखते हैं, रेंटल्स का सम क्या होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बराबर सारा 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 सारा, सोचे एक मिनट, टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेंटल्स का सम होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, तो URV इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टेबल यार, ये जितनी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है क्या उसने टोटल में रेंटल में आना, ये कैसे फिगर आएंगे 2715×4 कितनी दफा आएगा, पांचवी दफा, लेकिन पांचवी दफा आएगा एरियाज में क्योंकि रेंटल है तो 7 लाख जमा होगा, क्या URV मिलनी नहीं है, मिलनी नहीं है, इंशाल्लाह मिलेगी लेकिन गारंटी नहीं है, हाँ URV कहाँ नहीं आती, कहाँ आती है, लीज पेमेंट में नहीं आती लेकिन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में तो आती है, तो आखिरी जो फिगर लिख रहे होंगे आप उसमें 2715×4 में 7 लाख जमा करके लिखा होगा आपने, और देयरफॉर टोटल क्या बना होगा, बोल दें यार बोल दें, 1427120 है नहीं, आराम से कंप्लीट कीजिएगा। अब आपको जो प्रिंसिपल वाला कॉलम है इसका सम पता है कि टोटल कितना होगा, देखिए इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या शामिल है, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है, इसमें नेट इन्वेस्टमेंट भी है और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम भी है, सोचो जरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, लीज पेमेंट्स भी है, URV भी है, लेकिन मैं अदरवाइज अगर सोचूं तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट शामिल है, इंटरेस्ट शामिल है सर, नेट इन्वेस्टमेंट में से क्या निकल जाता है, तो अगर नेट इन्वेस्टमेंट और URV को इकट्ठा कर, सॉरी नेट इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को इकट्ठा कर लें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, आप भी फॉर्मूला बोल रहे हैं मैं भी बोलता हूँ, अगर ग्रॉस में से क्या निकाल दें तो क्या बन जाएगा, तो अगर ग्रॉस में से नेट इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे तो नेट फाइनेंस इनकम बन जाएगा, ग्रॉस में क्या क्या इकट्ठा हुआ, प्रिंसिपल इंटरेस्ट अनअर्न्ड है, टोटल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल किसके बराबर होगा, नेट इन्वेस्टमेंट, देख ले इसका ब्रेकअप क्या बनाओ,
इसका का ब्रेकअप है आपके पास 14276, इससे अगली फिगर देखिए अपनी नेट इन्वेस्टमेंट आई हुई है। नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्यों फर्क है? अब आपने टेबल शुरू कहां से किया जरा ढूंढने जरा, ग्रॉस से या नेट से? नेट से शुरू किया भाई, क्या इसी ने फाइनली प्रिंसिपल के कॉलम में डिवाइड होना ढूंढने सोचा जरा, तो कितना टोटल डिवाइड होगा? 9494987 6 और कैलकुलेटर एक मिनट पकड़े जरा, तसल्ली करें पहले, इन दोनों में किसका डिफरेंस होगा? फाइन एंड फाइनेंस इनकम कितनी? 4848 26 244। नहीं समझ आया किस में क्या क्या है और किस में से क्या निकाल दे तो क्या रह जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों है, अगर प्रिंसिपल निकाल देंगे तो अन एंड फाइनेंस इनकम रह जाएगा। डेफिनेटली टेबल पूरा किया जा सकता है, टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, क्या सोचा जा सकता है। अब इंटरेस्ट के कॉलम में एक मिनट आएगा, क्या हमें टोटल अर्न पड़ता? उसमें से अगर अर्न माइनस कर दूं पहले वाला में, तो कौन से सालों का इंटरेस्ट रह जाएगा? अगले सालों का रह जाएगा। तो टेबल बनाया जा सकता है, टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, अगर हिम्मत कर ली है तो शायद टाइम बच सकता है, लेकिन ये ना ना ये समझ आया है ना वो किया है, नेट इफेक्ट जीरो हो गया। ये मैंने क्या किया कि 2715 का टोटल 14 मिलियन कैसे हो सकता है? एक रेंटल लिखा ऊपर नीचे इतना बड़ा टोटल आ गया, कौन से मैंने नहीं लिखे हैं अगले? टोटल मुझे पता है, टोटल्स अगर पता है आपको तो बैलेंसिंग फिगर निकल सकती है। तो अपने इधर टेबल में जाए, टोटल्स लिख के जरा कोशिश करें, टेबल में जीआरवी भी और यूआरवी भी, रेंटल में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आनी है, रेंटल्स के कॉलम में परचेज ऑप्शन आती है, रेंटल्स के कॉलम में वो सब कुछ आता है जो आपको रिसीव होना हो, लीज पेमेंट्स भी आनी है, यूआरवी भी आनी है, जीआरवी हो तो वो भी आनी है, रेंटल्स के कॉलम में वो सब कुछ आना है जो आपको रिसीव होना है शुरू से लेकर एंड तक। कोई और कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन द वर्किंग? ये कहां से आई फिगर्स? ये टोटल कहां से कहां है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? कौन सी वर्किंग में या एंट्री की थी? प्रिंसिपल कहां से आया? वो तो नेट इन्वेस्टमेंट है, वो प्रिंसिपल कैसे है? वो तो नेट इन्वेस्टमेंट है। किसमें से क्या निकल गया तो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगी, ग्रॉस में से इंटरेस्ट निकल गया तो प्रिंसिपल रहेगी, और इंटरेस्ट की फिगर कैसे ही? किसका डिफरेंस? ग्रॉस और नेट का। लेकिन ये टोटल सभी आए हैं शुरू से लेकर एंड तक, और हमने फाइंड आउट करने अगले साल के, तो हम बैलेंसिंग फिगर्स निकाल लेंगे। ये वाले स्टूडेंट्स आपकी फिगर्स आ गई, जी सर, अब हमें इनमें से इस वक्त कौन सी चाहिए सॉल्व करेंगे? कैसे करो? ये टेबल में टोटल लिखनी है सबने, एंट्री की तरफ डिस्क्लोजर की तरफ आ जाओ। अब ये टेबल देख के बताएं अर्न एंड फाइनेंस इनकम इस सिचुएशन में कैसे निकालो? 4842 6244 -1417481। किसमें से क्या निकाला? टोटल अनअर्न में से अर्न निकाल दिया है, फ्यूचर का अनअर्न रह गया है। आंसर 3408 7 6 3। मेरे एक लास्ट स्टेप करवा दे रहा, लेस करके किसमें से अब क्या आ जाएगा?
अब ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और है, टेबल में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और है, ये नेट इन्वेस्टमेंट और है, वो और है, ये क्या है वो क्या है, ये ऑनवर्ड ईयर्स की ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो टोटल लीज की ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है सर, तो नेट इन्वेस्टमेंट की फाइनल फिगर आ गई फ्यूचर की 81। दोबारा अपने टेबल में जाए, 815213 आपको अपने टेबल में कहीं नजर आता है? कहीं नजर आता है? कहाँ नजर आ रहा है? ईयर एंड का बैलेंस नजर आ रहा है। आखिरी स्टेप को रिवाइज करते हैं, गैलेक्सी देख के करंट और नॉन करंट पोर्शन के लिए क्या और वर्किंग करनी पड़ ही जानी है। चलिए जी, जितना भी हम वर्किंग से बच रहे थे, लेकिन कितनी की वर्किंग करनी पड़नी है? करें जी, फाइनल कर, ये कंप्लीट करेंगे। एक मिनट दो, देखो सब लोग अपना अपना पूरा करेंगे। अब टेबल में तो डेढ़ ही एक बन जानी इंशाल्लाह। थोड़े से डॉट लगाए थे, लगाए थे कि नहीं, थोड़ी सी जगह बनाए थे। इसका मतलब ये हुआ कि फिर अब नेक्स्ट टाइम याद रखना कि हमें एक और साल की जरूरत पड़नी है प्रिंसिपल के लिए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट फिगर सारी समझ आ गई? ये करंट पोर्शन नॉन करंट पोर्शन को निकालने की हिम्मत कर रहा हूं, कैसे? एक और रेंटल की वर्किंग करनी पड़नी है 30 जून 12 के 2715224 ब्रेकअप बताइए 1492 1492404 इंटरेस्ट 1222 8 20 6659 729 6659 729। ये करंट नॉन करंट का तो सबको पता है, नेक्स्ट प्रिंसिपल एंड रिमेनिंग बैलेंस इन फ्रंट ऑफ नेक्स्ट प्रिंसिपल। कर लीजिए कंप्लीट कर, जो लोग कंप्लीट करते रहे अपने हाथ से एक इंग्लिश का सेंटेंस लिखो, इंग्लिश का एक सेंटेंस नहीं सॉरी दो चार सेंटेंसेस बनाए सोच के। तरह रेट बता दें, टर्म बता दें, यूआरवी बता दें, एग्रीमेंट बता दें, ढूंढने गैलेक्सी में ढूंढने उसी तरह की स्टोरी बना दें। हाथ से लिखे अपने इंडिविजुअल लिखे, ये बोर्ड से पे इंतजार ना कीजिएगा। नहीं, ये टेबल बन गया सबका।
रिकंसिलिएशन में आप फाइनल फिगर्स आएंगी 1492 404 एंड नॉन करंट आ जाएगी 6659729। ये रिकंसिलिएशन आप लोगों ने शायद पहले नहीं बनाई थी, कंप्लीट करना, अब सब कुछ कंप्लीट कर लें, तो नेगेटिव पैराग्राफ वेटिंग फ्रॉम योर साइड। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीट करके जरा बताइएगा। जी सर, ये बनाया को पड़ेगा आप।